हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआरएम की पढ़ाई। और आज जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो लीडरशिप स्टाइल की कंटिन्यूएशन सीरीज़ है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजरियल ग्रिड, ये इसका पार्ट 5 है। इससे पहले मैं 4 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी, जिसमें हमने डिफरेंट 4 लीडरशिप स्टाइल को डिस्कस किया था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। मैनेजरियल ग्रिड एक वाइडली पॉपुलर लीडरशिप स्टाइल है। इसको डेवलप किया था आर ब्लेक एंड जेएस मुटोन ने। उन दोनों के अकॉर्डिंग लीडरशिप स्टाइल हैज़ टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द डायमेंशंस। कौन सी दो डायमेंशन? टास्क ओरिएंटेशन एंड लीडर एंड रिलेशन ओरिएंटेशन। सो योर लीडरशिप स्टाइल हैज़ टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द डायमेंशंस। आप किसी भी सिंगल डायमेंशन तक पढ़ते आ रहे थे कि कोई लीडर जो होता है वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड होता है, कोई लीडर होता है वो रिलेशन ओरिएंटेड होता है। लेकिन ब्लेक और मुटोन ने कहा कि जो लीडरशिप स्टाइल है वो दोनों डायमेंशन के कॉम्बिनेशन से बनता है। उनकी डिग्रीज वेरी कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी कॉम्बिनेशन में टास्क ज़्यादा हाई हो सकता है, रिलेशन लो हो सकता है, या फिर रिलेशन हाई हो सकता है या टास्क लो हो सकता है। लेकिन जितने भी लीडरशिप स्टाइल फॉर्म होंगे वो दोनों डायमेंशंस का कॉम्बिनेशन होंगे, बस उनकी डिग्री वेरी करेंगी। तो दो डायमेंशंस थे, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ये बेसिकली कंसिडर करता है सुपीरियर का एटीट्यूड अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। और वो चीज़ें कौन सी होती हैं? लाइक क्वालिटी ऑफ डिसीजन, वर्कर्स वर्क एफिशिएंसी, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, और यू कैन से प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ स्टाफ सर्विस, प्रोसीजर एंड प्रोसेस एंड क्रिएटिवनेस ऑफ रिसर्च। इसके अलावा जो दूसरी डायमेंशन होती है वो होती है कंसर्न फॉर पीपल। इसमें क्या आता है? डिग्री ऑफ पर्सनल कमिटमेंट टुवर्ड्स गोल अचीवमेंट, मेंटेनिंग द सेल्फ स्टीम ऑफ द वर्कर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड सेटिस्फाइंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। मतलब पहले वाले में, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन में, जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो रिलेटेड होती हैं टास्क से रिलेटेड, और कंसर्न फॉर पीपल में जितनी रिलेटेड चीज़ें हैं वो हैं ह्यूमन एस्पेक्ट से रिलेटेड चीज़ें, अबाउट देयर फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, इमोशंस। मूविंग ऑन, अब उन लोगों ने इसको एक ग्रिड में कन्वर्ट किया जहाँ पर वाई एक्सिस पे उन्होंने कंसर्न फॉर पीपल को हाईलाइट किया एंड एक्स एक्सिस पे उन्होंने कंसर्न फॉर प्रोडक्शन को हाईलाइट किया। नंबरिंग की उन्होंने 1 to 9 ऑन बोथ दी एक्सिस। ये 1 to 9 एक स्केल है जो कि दोनों डायमेंशंस कितना वेरी करती हैं उसको शो करता है। तो इन दोनों डायमेंशंस को जब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे रखा गया तो 5 लीडरशिप स्टाइल फॉर्म हुए। पहला, लो ऑन बोथ प्रोडक्शन एंड पीपल, उसको हमने बोला इम्पॉवरिश्ड मैनेजमेंट। दूसरा स्टाइल आया टास्क मैनेजमेंट, विच वॉज हाई ऑन प्रोडक्शन एंड लो ऑन पीपल। फिर था कंट्री क्लब, जो कि हाई ऑन पीपल्स था एंड लो फॉर प्रोडक्शन। 9-9 वॉज हाई ऑन बोथ द पीपल एंड प्रोडक्शन। मिडिल रोड वॉज कि मीडियम कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द ओरिएंटेशन एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेशन एंड कंसर्न फॉर द पीपल। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इम्पॉवरिश्ड लीडर जो होते थे वो इनडिफरेंट टूवर्ड्स द पीपल एंड प्रोडक्शन, बहुत ही ज़्यादा मिनिमम एफर्ट पुट करते थे वो सुबॉर्डिनेट से कोई काम करवाने में। कोई सिस्टम नहीं था, कोई ऑर्गेनाइज्ड तरीका नहीं था काम को करवाने का, नॉर द वर्क एनवायरमेंट वॉज गिविंग सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉयज़। मैनेजर ये स्टाइल सिर्फ किस लिए यूज़ करते थे? अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए एंड अपनी सीनियोरिटी को मेंटेन करने के लिए। और उनका जो मेन एजेंडा होता था कि उनको किसी ट्रबल में नहीं पड़ना,
इसकी वजह से वो ज़्यादा यू नो रिसर्च वर्क, क्रिएटिविटी, इनोवेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, बिकॉज़ उनका मेन होता था कि हमें किसी ट्रबल में नहीं पड़ना। अगर कुछ गलती हो जाएगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे आएगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी हमारे पे आएगी, और वो चीज़ उन लीडर्स को नहीं चाहिए होती थी। तो ऐसा एनवायरनमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ओपननेस को रिस्ट्रिक्टेड कर देता है, फ्लोज ऑफ आइडियाज़ को रिस्ट्रिक्टेड कर देता है, एंड इनोवेशन बहुत कम होता है, क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। तो इम्पॉवरिश लीडर जो होते हैं वो मोस्ट इनइफेक्टिव लीडर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट आता है कंट्री क्लब, विच इज़ हाई ऑन पीपल एंड लो ऑन प्रोडक्शन। ये वाले मैनेजर जो होते हैं वो बेसिकली ना वर्कर्स को खुश करने में लगे रहते हैं, मतलब उनको ऐसा एनवायरनमेंट दो, ऐसी अटेंशन दो जो उनको खुश रख सके, और वैसा करो जैसा जिसमें एम्प्लॉयज़ खुश हों। वो ये सब ये सोच के करते थे कि अगर एम्प्लॉयज़ खुश होंगे तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ ऐसी एम्प्लॉयज़ में जो वर्क एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है कि को वर्कर्स जो होते हैं ना वो अपने हिसाब से अपने काम को अपनी स्पीड से करते हैं और अपने फेवरेट को वर्कर्स के साथ, मतलब जो टीम होती है, क्या हुआ कि अपने जितने भी आपके फेवरेट्स हैं उसके साथ, उनके साथ आपने टीम बनाई, अपने हिसाब से आप काम कर रहे हो और अपने तरीके से काम कर रहे हो। ये एटमॉस्फेयर यूजुअली फ्रेंडली होता है, बट यहाँ पे प्रोडक्टिविटी सफ़र करती है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई डायरेक्शन है ना कंट्रोल है, क्योंकि लीडर तो एक्सरसाइज कर ही नहीं ना, ही इज़ गिविंग द सूटेबल एनवायरनमेंट टू द वर्कर्स एज पर देयर विश। तो यहाँ पे ना उसका कोई डायरेक्शन है ना उसका कोई कंट्रोल है। नेक्स्ट आता है 9-1, हाई ऑन प्रोडक्शन एंड लो ऑन पीपल। ये अथॉरिटेटिव अप्रोच हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ लीडर जो होता है वो क्लोज सुपरविजन और कंट्रोल एक्सरसाइज करता है, क्योंकि इसका मेन एम क्या होता है, दे हैव हाई कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन। उनको सिर्फ काम से मतलब है, वो ये सोचते हैं कि हम अगर काम करवा रहे हैं तो उसके लिए एम्प्लॉय को हम मनी पे कर रहे हैं। दे आर ऑटोक्रेटिक लीडर्स, उनके वर्क स्टाइल बहुत स्ट्रिक्ट होता है, दे हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत होते हैं। एंड सबसे मेन बात, ये मोटिवेशन जो यूज़ करते हैं वो नेगेटिव मोटिवेशन होता है, विच इंक्लूड्स पनिशमेंट, पेनल्टीज एंड थ्रेट टू द वर्कर, बिकॉज उनका एक ऐसा होता है कि सबसे पहले उनको ये प्रोडक्शन पे फोकस करना होता है। तो इसमें होता क्या है कि स्टार्टिंग में तो प्रोडक्शन अच्छा होता है, लेकिन स्लोली स्लोली टीम मेंबर्स का मोरल डाउन हो जाता है, उनका मोटिवेशन डिक्रीज़ हो जाता है, एंड फिर उनकी धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। और लीडर फिर क्या स्ट्रगल करता है, लीडर के पास स्ट्रगल होता है जो उसके हाई परफॉर्मर्स थे उनको रिटेन करने का। नेक्स्ट इज़ मिडल रोड। मिडल तो होता ही है, मिडल रोड एज द नेम सजेस्ट, कॉम्प्रोमाइज़ करना, मिडल ना इसकी ना इसकी, बीच में रख लेते हैं थोड़ा सा इसका और थोड़ा सा इसका। इसमें मैनेजर जो होता है वो बैलेंस करता है बिटवीन कंपनी गोल्स और वर्कर्स के नीड्स में। ये अब क्या होता है कि आप ये कंटिन्यूअस कॉम्प्रोमाइज़ करे जा रहे हो कि आपको ये भी बैलेंस करना है, टास्क ओरिएंटेशन भी एंड एम्प्लॉय ओरिएंटेशन में। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इधर का उधर हुआ तो ये प्रोसेस फेल हो जाता है, बिकॉज ना तो आप पूरा टास्क पर ही फोकस कर पाते हो, ना ही आप पूरा एम्प्लॉय की नीड पर फोकस कर पाते हो। तो जब दोनों ही चीज़ों को आप मीट नहीं कर पाए तो उसका मतलब क्या होता है, मीडियोकर परफॉर्मेंस, ना आपकी प्रोडक्शन ही हाई जाएगी और ना ही आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन दे पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा 9-9, दैट इज़ टीम, हाई ऑन पीपल एंड हाई ऑन प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों चीज़ें जो होती हैं वो पीपल के ऊपर भी कंसर्न होता है और प्रोडक्शन के ऊपर भी कंसर्न होता है। यहाँ पे मैनेजर क्या बोलता है, टीम वर्क एंड कमिटमेंट अमंग द एम्प्लॉयमेंट, कमिटमेंट अमंग द एम्प्लॉयज़, कि आप एम्प्लॉयज़ को ऐसा महसूस करवाते हो दैट दे आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैव स्टेक इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट इंक्रीज़ होता है, आप टीम वर्क इंक्रीज़ करते हो कि आप टीम्स में काम कीजिए, वहाँ पे आपका उससे क्या होगा, आपका कोऑपरेशन बढ़ेगा, कोलैबोरेशन बढ़ेगा, और एज अ टीम आप कलेक्टिवली काम कर पाएंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से अचीव हो सकते हैं।
सो दिस मेथड रिलाइज ऑन कि एम्प्लॉय जो है वो कंस्ट्रक्टिव पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. दे आर हैविंग अ स्टेक इन द ऑर्गेनाइजेशन. दे फील कनेक्टेड टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड दे कंसिडर ऑर्गेनाइजेशनल गोल एज देयर ओन गोल. यहाँ पे जो एनवायरनमेंट होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट के ऊपर. जहाँ पे जो लीडर या मैनेजर होता है उसको फुल ऑन ट्रस्ट होता है अपने सुपीरियर के ऊपर एंड दे म्यूचुअली रिस्पेक्ट ईच अदर विच लीड्स टू हाई सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन. एंड इससे क्या होता है, जो इम्प्लॉयज़ का सेल्फ इस्टीम होता है वो हाई हो जाता है, उनका मोरल बूस्ट अप हो जाता है एंड ऑल दीज थिंग्स लीड्स टू हाई प्रोडक्शन. यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं ना वो खुद में बहुत इनोवेटिव होते हैं और वो ऐसे आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने से डरते नहीं हैं जो कि उनके आइडियाज़ से डिफरेंट होते हैं. रादर दे वैल्यूज़ द सजेशन ऑफ द एम्प्लॉय एंड दे वेलकम ऑल द सजेशन एंड व्यूज़ ऑफ द एम्प्लॉय. क्योंकि यहाँ पे लीडर का बेसिक फोकस क्या होता है कि उसे किसी भी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है टीम वर्क में विद द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन. मेन फोकस है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो चाहे लीडर के आइडिया से हो या फिर उन आइडिया से हो जो कि उसकी टीम ने ऑफर किए हैं. बस मेन थिंग इज़ कि आप एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकाल लो इन सब चीज़ों में से और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. ब्लेक एंड मुटोन ने जो कहा कि सबसे डिज़ायरेबल बिहेवियर जो है वो 9-9 है, दैट इज़ टीम. इनफैक्ट उन्होंने एक मैनेजरियल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बनाया जहाँ पे मैनेजर्स को इनरोल किया जाता था उस प्रोग्राम में, ताकि आप उनको चेंज कर सकें और उनको प्रिपेयर कर सकें 9-9 यानी कि टीम लीडरशिप स्टाइल फॉलो करने के लिए. यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कशन ज़रूर करेंगे ग्रिड डेवलपमेंट प्रोग्राम का. इस प्रोग्राम में 6 फेजेस होते हैं. ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि हाउ मैनी स्टेप्स और हाउ मैनी स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन द मैनेजेरियल ग्रिड ट्रेनिंग प्रोग्राम. तो ऑप्शन में वहाँ पे नंबरिंग दी होती है, तो वहाँ पे जो 6 दिया होगा तो वो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 स्टेजेस होती हैं मैनेजमेंट ग्रिड ट्रेनिंग प्रोसेस की. या फिर आपको ये 6 की 6 चीज़ें वहाँ पे लिख कर दी होंगी, आपको उनको ABCDE ऐसे करके आपको अरेंज करना होगा सिस्टमेटिकली कि पहले कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है. तो ये 6 स्टेप्स हैं मैनेजरियल ग्रिड, टीम वर्क डेवलपमेंट, इंटर ग्रुप डेवलपमेंट, डेवलपिंग आइडल स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट मॉडल, इम्प्लीमेंटिंग आइडल स्ट्रेटेजिक मॉडल एंड सिस्टमेटिक क्रिटिक. अब ये हर स्टेप में होते क्या है वो देखते हैं. मैनेजरियल ग्रिड में आप आइडेंटिफाई करते हो लीडरशिप स्टाइल को, टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल दैट इज़ प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. कहने का मतलब है कि अभी करंट स्टेट में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो मैनेजर्स हैं वो कौन सा लीडरशिप स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, टीम वर्क कैसा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर व्हाट आर दी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन योर ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोइंग. तभी तो आप एक ट्रांजिशन की तरफ या एक चेंज की तरफ बढ़ पाएंगे, जिससे आप वो 9-9 वाला स्टाइल लर्न करेंगे और फिर उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे. नेक्स्ट इज टीम वर्क डेवलपमेंट. टीम वर्क डेवलपमेंट में होता है कि आप डेवलप करते हैं टीम वर्क अमंग द वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन एंड कल्चर एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. और इसमें आप क्या क्या होता है, आप प्लानिंग स्किल्स इनकलकेट करते हो, ऑब्जेक्टिव सेटिंग स्किल्स कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स विच आर नीड टू बी सेट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर डेवलप्ड इन दिस फेज. नेक्स्ट इज इंटर ग्रुप. इंटर ग्रुप में आप विद इन द ग्रुप कॉर्डियल रिलेशनशिप या कॉपरेशन इन्हेंस करते हो अमंग द एम्प्लॉय. द फोकस क्या होता है कि इज़ टू इंक्रीज द कॉपरेशन अमंग द ग्रुप मेंबर रूलिंग आउट द कॉन्फ्लिक्ट. जितने अच्छी आपके ग्रुप की कोऑर्डिनेशन होगी, जितने ज़्यादा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप शेयर करेंगे आपके ग्रुप मेंबर्स, उतने ही कॉन्फ्लिक्ट्स कम से कम होने के चांसेस हैं और आपकी टीम ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगी और ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आपकी टीम ऑब्टेन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ डेवलपिंग आइडल स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट मॉडल.
नेक्स्ट फोकस जो होता है इसका, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल को कंसिडर में लेते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए जाते हैं विच फॉर्म्स एन आइडियल ऑर्गेनाइजेशन, एंड उन स्किल्स, उन करेक्टर्स को अचीव करने के लिए जो कि एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, मेंबर्स को ट्रेन किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को, ताकि वो उस गोल को अचीव कर सकें, या फिर वो जो आइडियल ऑर्गेनाइजेशन की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको वो अचीव कर सकें, मतलब वो उनको एक्सीलेंस करनी है इस चीज़ में. नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग दिस आइडियल स्ट्रेटजिक मॉडल. ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज होती है. आपने वहाँ पे उससे पहले आपने एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन की करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करी, मेंबर्स को आपने एक्सीलेंस ट्रेनिंग दी, अब यहाँ पे आता है आपको वो इम्प्लीमेंट करना है. हर ग्रुप को एक असाइनमेंट दिया जाता है एक स्ट्रेटजी को फॉर्म करने के लिए, जो कि आइडियल ऑर्गेनाइजेशन आप बना सकते हैं, और फिर उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया जाता है. लाइक सम फीचर्स ऑफ आइडियल ऑर्गेनाइजेशन, लाइक इट्स वेरी प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत हाई होता है किसी भी आइडियल ऑर्गेनाइजेशन का. एनवायरनमेंट में ओपननेस होती है, लाइक फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़, क्रिएटिविटी होती है, इनोवेशन के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है, बेस्ट जॉब फिट. जॉब फिट इज़ कि जो जिस जॉब पर जो है वो उसके लिए मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट है, हेल्दी जॉब क्वालिटीज़, सपोर्टिंग लीडरशिप एंड लर्निंग कल्चर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक क्रिटिक. यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोग्राम जब इम्प्लीमेंट होता है, फिर आप उसके शॉर्ट कमिंग्स के ऊपर ध्यान देते हो कि क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स आई वाइल रनिंग दैट प्रोग्राम, और उन शॉर्ट कमिंग्स को दूर करने के लिए आप उस प्रोग्राम को फिर से रीडिज़ाइन करते हो, ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एकदम फिट बैठ सके. तो ये थे सिक्स स्टेप्स ऑफ द मैनेजरियल ग्रिड ट्रेनिंग प्रोसेस के. सो मेन मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था इस ग्रेड ट्रेनिंग का, इस ग्रिड ट्रेनिंग का, कि एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा इंटरैक्टिव सिस्टम बना दो वेयर द टेक्निक्स आर अप्लाई टू डायग्नोज द प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड द चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑल्सो इट डिटरमाइनिंग द लीडरशिप स्टाइल एंड टेक्निक ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रोड्यूसिंग द डिजायरेबल रिजल्ट. तो दो मेन ऑब्जेक्टिव हुआ, पहला कि ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा इंटरैक्टिव सिस्टम बनाओ कि वहाँ पे टेक्निक्स अप्लाई कर सकें हम हर लेवल पे प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने की, और जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हो रहे हैं ड्यू टू इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, उन चेंजेस को हम एनालाइज कर सकें और डायग्नोस कर सकें, और उसके बाद हम उनके साथ कोप अप कर सकें. दूसरा, ऐसे लीडरशिप स्टाइल या टेक्निक को फाइंड आउट करना जिससे हम डिज़ायरेबल रिजल्ट को अचीव कर सकें. तो दीज वर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ग्रिड ट्रेनिंग. तो हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, एंड प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें. आपके कमेंट्स या कोई फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.